Assalamualaikum to all, welcome to my channel. So girls, आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये मेहंदी संगीत मेकअप लुक जो कि मैंने कंप्लीट किया है अंडर 150 रुपीस मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ और उससे भी कम जो कि हमारी बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड ये मेकअप क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आप देख सकती हैं। तो अगर आप देखना चाहती हैं कि मैंने इस मेकअप को कैसे क्रिएट किया है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ बेबी लिप बाम अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए और इसका प्राइस है 130 रुपीज़। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ओलिविया का पेन स्टिक कंसीलर इन द शेड 05 टच एंड ग्लो, इसका प्राइस है 120 रुपीज़ और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड उसके बाद मैं अपने कंसीलर को सेट करूँगी ADS के कॉम्पैक्ट की हेल्प से, इसका प्राइस है जस्ट 85 रुपीज़ और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैं लूँगी हिलेरी रोडा की 12 कलर आई शेडो पैलेट, गर्ल्स ये अमेजिंग आई शेडो पैलेट है और इसमें से ये ऑरेंजी ब्राउनी शेड लेके इसे मैं अपनी क्रीज पर अप्लाई करूँगी आउटर वी पे फोकस करते हुए और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और इस आई शेडो पैलेट का प्राइस है 150 रुपीज़, आपको ये इजीली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हर जगह मिल जाएगी एंड उसके बाद मैं लूँगी ये ब्राउन शेड और इसे भी मैं अपनी क्रीज पे ही अप्लाई करूँगी ऑरेंजी ब्राउन शेड के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इस आई शेडो पैलेट में गर्ल्स आपको हाईलाइटर, कॉन्टोर, ब्लश सब कुछ मिल जाता है एंड नेक्स्ट मैं लूँगी ये लाइट ब्लैक शेड और इसे मैं अपने आउटर वी पे प्लेस करूँगी एंड देन सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करूँगी। हमें इस कलर को सिर्फ और सिर्फ अपने आउटर वी पे ही अप्लाई करना है और थोड़ा थोड़ा कलर लेके ही बिल्ड करना है। उसके बाद मैं लूँगी सेम ओलिविया का पेन स्टिक कंसीलर और उसकी हेल्प से मैं एक नॉर्मल कट क्रीज ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से एंड उसके बाद मैं लूँगी ये डार्क ग्रीन शेड एक फ्लैट शेडो ब्रश की हेल्प से और इसे मैं अपनी 1/3 आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से एंड पिगमेंटेशन देखिए कितनी अच्छी है इसकी। उसके बाद मैं लूँगी ये वाइटिश शिमरी शेड और इसको मैं अपनी इनर कॉर्नर की 1/3 आईलिड पे अप्लाई करूँगी, यू कैन सी। उसके बाद मैं अगेन लूँगी ये डार्क ग्रीन शेड और इसे मैं अपने ब्राउन शेड के साथ मिक्स कर दूँगी क्योंकि मुझे ग्रीन कलर ज़्यादा चाहिए था इसलिए। नेक्स्ट मैं लूँगी हिलेरी रोडा का आईलाइनर और इसकी हेल्प से मैं थिक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी और इसका प्राइस है जस्ट 75 रुपीज़ और ये काफ़ी अच्छा लाइनर है। उसके बाद मैं लूँगी एमिन का मस्कारा और इसका प्राइस है 150 रुपीज़, इसके साथ आपको लाइनर भी मिलता है और इसे मैं अपनी अपर लैशेस पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉल्सीज एंड नेक्स्ट मैं लूँगी लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम, इसका प्राइस है 40 रुपीज़, ये मिनी टब है और इसे मैं अच्छे से मसाज करते हुए अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी एंड उसके बाद मैं लूँगी जॉय का हेलो सनब्लॉक सनस्क्रीन, इसका भी प्राइस है 40 रुपीज़ और इसे भी मैं अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करूँगी एंड उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ मालियाओ का फोटो फिनिश प्राइमर, इसका प्राइस है 150 रुपीज़ और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है गर्ल्स, मतलब लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर जैसा है बिल्कुल। उसके बाद मैं ले रही हूँ फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम और ये बहुत अच्छी है बट ये ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छी है, ड्राई स्किन वालों के लिए और भी ज़्यादा ड्राई कर देगी उनकी स्किन, लेकिन अगर आप एक अच्छा मतलब मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके इसको अप्लाई करेंगे तो ये बहुत अच्छी फिनिश देगी आप देख सकती हैं। उसके बाद मैं सेम ओलिविया के पेन स्टिक कंसीलर को अपने हाइलाइटेड एरियाज पर अप्लाई कर लिया है एंड इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से और ये बहुत अच्छा अंडर बजट कंसीलर है बिगिनर्स के लिए। उसके बाद मैं ले रही हूँ ADS का 2-in-1 कॉम्पैक्ट और उससे मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी, ये तो बहुत ही कमाल का कॉम्पैक्ट है, इसका प्राइस है जस्ट 85 रुपीज़ और अपने नेक पे भी एंड अपने ईयर्स पे भी अप्लाई कर लूँगी एंड मैं सेम ग्रीन शेड को अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लूँगी एक स्मजर ब्रश की हेल्प से एंड उसके बाद मैं लूँगी ये वाइट काजल, ये है मैक का वाइट काजल, ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से लिया था जस्ट 30 रुपीज़ में एंड उसके बाद मैं सेम मस्कारा को अपनी लोअर लैशेस पे भी अप्लाई कर लूँगी एंड उसके बाद मैं सेम पैलेट में से ये लाइट ब्लैक शेड लेके अपनी आईब्रोज को भी फिल इन कर लूँगी एंड कितनी अच्छी फिनिश आ रही है आप देख सकती हैं एंड नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ये पिंक शेड और ये ऑरेंजी ब्राउनी कॉन्टोर शेड को मिक्स करके अपने एप्पल ऑफ चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी
एंड यू कैन सी कितना प्यारा कोरल सा ऑरेंजी ब्राउनी सा शेड बन गया है ब्लश का। एंड उसके बाद मैं लूँगी ये ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन शेड, और इससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। और आप देख सकती हैं कितनी अच्छी फिनिश है इसकी, और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, सो केयरफुली आपको अप्लाई करना है। एंड उसके बाद मैं लूँगी हाइलाइटर शेड, और इससे मैं अपने फेस के हाइलाइटेड पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। गर्ल्स आप देख सकती हैं कि एक पैलेट से ही हमारा कॉन्टोर भी हो गया, हाइलाइटर भी हो गया, ब्लश भी हो गया एंड आई मेकअप भी हो गया। कितनी अच्छी आई शेडो पैलेट है, आप इसको यूज़ कर सकती हैं। एंड अपने इनर कॉर्नर को एंड ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी एंड आप पिगमेंटेशन देख सकती हैं। एंड नेक्स्ट मैं लूँगी मैट लुक की सुपरस्टे लिप ग्लॉस इन दी शेड 24 वॉर्म किस। बट ये लिप ग्लॉस नहीं है, ये प्रॉपर मूज लिपस्टिक है और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड और सॉफ्ट है। इसका प्राइस है 150 रुपीज़, और आप कलर देख सकती हैं कितना अमेजिंग है, ऑरेंजी ब्राउनी सा। उसके बाद मैं अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी ADS मेकअप फिक्सर की हेल्प से। सो या गर्ल्स, माई मेकअप इज़ डन। सो या गर्ल्स, ये है मेरा आज का मेहंदी संगीत मेकअप लुक अंडर 150 रुपीज़। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो एंड ये मेकअप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।